ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है जी स्टूडेंट्स सारयां दा। कैनेडा दा इस वक्त बहुत वधिया टाइम चल रहा है, सो ये वधिया टाइम दा फायदा कैनेडा रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स किस तरीके नाल लै सकते ने, अज ये सारी इनफॉर्मेशन थोड़े नाल शेयर करांगे। क्यों रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स वास्ते बेस्ट टाइम है इस वक्त अप्लाई करन दा। अज दे साडे गैसट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों सत श्री अकाल। सो कंवर साहब, रिफ्यूज्ड रीफाइलिंग करन जा रहे ने जिहड़े, बेस्ट टाइम क्यों है ते केड़ियां गल्लां दा ध्यान रख के रीफाइलिंग करन? देखो, बहुत सारा बच्चा जिहड़ा है ओवरऑल सिक्स वाला, वह अक्सर प्राइवेट कॉलेजों च फाइल लाउंदा सी या दूसरे कॉलेजों च फाइल लाउंदा सी, नॉन SDS च लाउंदा सी, रिजैक्ट हुंदा सी। इदां ही कुछ PT वाले आ, खासकर जिहड़े आईलेट्स वाले सिक्स ओवरऑल वाले सी, उन्हां नूं हुण अपनी फाइल दोबारा जरूर लाउणी चाहीदी है। अगर वह कैनेडा दे प्लैन च सी, उन्हां नूं यूटर्न नहीं लैणा चाहीदा। एक करी 10 अगस्त तों बाद हुण तुसीं रिकोगनाइज्ड हो गए हो, तुसीं SDS च आ गए हो, सो चंगे कॉलेज दे विच एडमिशन तुहानूं मिल जाणियां ने। हुण उहदे विच लगा के अपनी फाइल एक बारी दोबारा जरूर भेजो, क्योंकि कैनेडा ने जिहड़े वीज़े देने हैगे 5 लाख ही है पहले जिन्ने, वह नहीं वधे, पर वो 5 लाख वीज़े इशू करन लई उन्होंने हुण बच्चे नहीं डीकते रहना भी 6 E40 फाइलां आउणगियां ते उन्हां नूं वीज़ा देना है। तो बेसिकली जिहड़ियां फाइलां पहलां लगनगियां वह पहलां प्रोसैस होणगियां अपने प्रोफाइल नूं लैके। जस्ट मेक श्योर करो कि हुण तुसीं अकैडमिकली सही हो, मतलब अकैडमिकली वीक नहीं हो, फाइनैंसिस सही दिखा रहे हो, आयल्स 6 हुण तुहाडे लई ट्रबल नहीं हैगा। सो डेफिनेटली यह जिहड़ा समां आ और आ जिहड़ा पीरियड है खासकर जनवरी इनटेक दा, यह मिस नहीं करना चाहिए और अपनी फाइल नूं चंगे कॉलेज, गवर्नमेंट फंडड कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा लैके अपनी फाइल नूं दोबारा प्रोसीड करना चाहिए। सो कंवर साहब, SOP भी चैक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। सर हुण वीज़े इन्हां दे टिक गए, तुसीं समझो उन्होंने घोड़ा खच्चर एक करते, जिहड़ा उन्होंने रूल किया है घोड़ा खच्चर एक हो गए, जिहड़े नॉन SDS सी वह भी अज्ज दी डेट च SDS हो गए ने। तो जदों हुण कॉम्पीटिशन इन्ना क्लोज हो गया तो वह कॉम्पीटिशन चो हुण निकलोंगे किदां? वह कॉम्पीटिशन चो तुसीं निकलोंगे अपने प्रोफाइल दे नाल ते फाइल दी प्रेजेंटेशन दे नाल। प्रोफाइल बदलिया नहीं जा सकता, जो हैगा उही रहना है, लेकिन फाइल प्रेजेंटेशन हर बंदे दी अपनी कला है कि वह केस नूं किदां प्रेजेंट करता है, किदां स्टेटमेंट ऑफ परपस च तुहाडियां पॉजिटिव चीज़ां नूं हाईलाइट करता है, ठीक है, नैगेटिव नूं एक साइड ते करता है, उस तो इलावा उहदे सपोर्ट च तुहानूं किदां उह स्ट्रोंग बणाउंदा है। सो फाइल प्रेजेंटेशन दे विच SOP एक की है, क्योंकि इत्थे कोई इंटरव्यू नहीं कि जिहड़ा तुसीं वीज़ा ऑफिसर नूं बोल के अपनी गल दस सकते हो। सो SOP ही एक जरिया है जिहदे नाल तुसीं अपनी गल, अपने मन दी, अपने दिमाग दी, अपने फ्यूचर प्लान दी, अपने कोर्स सिलेक्शन दी, ये सारी डिटेल वीज़ा ऑफिसर दे अगे रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिवें कंवर साहब ने कहा, सो बहुत ध्यान नाल अपनी फाइलिंग करो, बहुत ध्यान नाल अपना कंसल्टेंट चूज करो, क्योंकि एक बारी या दो बारी तुसी रिफ्यूज़ हो चुके हो थोड़े वास्ते टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कोई भी सवाल है ब्रॉडवे की टीम नूं कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।